2014 में डीडीए हाउसिंग स्कीम के तहत रोहिणी सेक्टर 34 में एलआईजी फ्लैट्स खरीदे गए थे। डीडीए ने बड़े बड़े वादे और दावे करके घर तो बेचे, लेकिन 3 साल बीत चुके हैं। इन मकानों में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। डीडीए के हाउसिंग स्कीम में ग्राहकों को भले ही उच्च स्तरीय सुविधाओं का हवाला देकर फ्लैट्स बेचे जाते हों, लेकिन वास्तविक में इसका हाल उल्टा ही होता है। अगर सही मायने में कहा जाए तो डीडीए ने यहाँ पर जानलेवा सड़क, दूषित पानी और रात का अंधेरा ही दिया है। रात के समय स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से अंधेरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई बार खौफनाक वारदातें भी हो जाती हैं। डीडीए ने हाल ही में हाउसिंग स्कीम 2017 लॉन्च करी है और ऐसे में ग्राहक अपने सपनों का घर खरीदने में उत्सुक हैं। बोल बिंदास ने आपको हकीकत से वाकिफ कराया है, जिससे कि आप देख सकें और अपने सपनों का घर खरीदने से पहले सतर्कता बरतें।